क्या मेरी स्वाति आप लोगों के साथ टीम में खेल सकती है? मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। देश को बदलना है तो मर्द को बदलना होगा। जब मर्द बदलेगा तो ही औरत की अहमियत को समझेगा। जब भी कोई एक नई सोच लेकर आता है तो वह भविष्य को चुनौती देता है। आप लोगों को लड़कियों को छेड़कर बहुत खुशी मिलती है। उन्हें सताकर आप अपनी मर्दानगी पर गर्व महसूस करते हैं, है ना? सिर्फ छेड़कर नहीं, जरा एक बार उनके साथ खेलकर भी तो देखो। उनके साथ कदम मिलाकर देखो, कंधे मिलाओ, नजर मिलाओ, विचार मिलाओ। आज प्रतापपुर से शुरू होगी तो धीरे धीरे ये लहर पूरे देश में फैल जाएगी। लड़के और लड़कियों की मिली जुली फुटबॉल टीम। लड़कियों के साथ में कौन खेलेगा? सब बकवास है। लड़कियां आज तक फुटबॉल खेल पाई हैं और ये ऊपर से नई नौटंकी। लड़के लड़कियों की मिली जुली टीम। हमारा नाम राजा है, हमारे मोहल्ले में सब हमारा नाम रानी रख देंगे। लड़कियां जहां हैं वहीं ठीक हैं। यानी लड़कियों को बस घर पर रहना चाहिए, माँ की मदद करनी चाहिए, गोल गोल रोटियां बनानी, यही सही कह रही हैं आप। जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर फुटबॉल खेलती हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, पर उनको अपने घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। और लड़के ये सोचते हैं कि वो चौराहे पर बैठकर सीटियां बजाकर लड़कियों को छेड़कर अश्लील बातें करके अपने खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं। स्नेहा दीदी के बहन के ऊपर तेजाब फेंका गया, मगर इन्होंने बदले की जगह एक नई सोच को जन्म दिया, इंसान और इंसानियत पे भरोसा किया। आप लोगों को एक मौका मिला है कुछ नया कर दिखाने का, समाज में बदलाव लाने का। जरा सोचिए, जब लड़के और लड़कियां जमकर मैदान में खेलेंगे तो क्या हंगामा होगा? तब ना कोई लड़का होगा और ना कोई लड़की होगी, सब बस खिलाड़ी होंगे। खिलाड़ियों की सिर्फ एक भाषा होती है, खेल। सिर्फ खेल, मिलजुल कर खेलना और जीतना। तो आप सब भी शामिल हो जाइए लड़के लड़कियों की इस मिली जुली फुटबॉल टीम में। घर में जा के यही कोशिश कर रही हूँ। मैं गांव के बहुत सारे घरों में गई हूँ जहाँ भी प्रीता की उम्र की लगभग लड़कियाँ हैं, सबके घर में गई हूँ और सबने लगभग बात मान ही ली है। बस आप और मान जाइए। ठीक है, अब आप कहते हैं तो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने बेटों को बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं देखूंगा कि मेरी सुमी आपके मैच में भाग ले। पूरा भरोसा है आप मना लेंगे।
अगर लड़कियां खेलने नहीं गई मतलब वो डर गई, और ये दिख गया कि लड़कियां डर गई तो लड़के तो इसी तरह उनमें खौफ पैदा करके उन्हें डराते ही रहेंगे। फुटबॉल टीम का चुनाव है, अगर लड़कियां नहीं खेलेंगी तो भाई ये हमारी हार है, हमारे संस्कारों की हार है, हमारे व्यवस्था की हार है, बल्कि ये समझिए हमारे पूरे गांव की हार है। समझ रहे हैं ना आप? देखिए सरपंच जी, मैंने अपनी बातें आपके सामने रख दी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप गांव के सरपंच हैं, अब निर्णय आपके हाथ में। नहीं बिमला जी, लड़कियां खेलेंगी ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लड़कियों की सुरक्षा की घोषणा कर रहे हैं और लड़कों को ही लड़कियों की सुरक्षा करनी होगी। भागीदारी से ही जिम्मेदारी आती है, पर वक्त आ गया है कि लड़के लड़कियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। भाइयों और बहनों, अगर ये मानसिकता नहीं बदलती है तो आप समझ लीजिए कि समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मन नहीं है खेलने का? क्या हुआ बताओ मुझे, इधर आओ। क्या हो गया बोलो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है प्रीता दीदी के साथ, उसे हम भूल नहीं पा रहे हैं मैडम जी। रघु के दोस्तों ने जो तेजाब डाला है वो हमारे सपने में आता है और हम नींद से उठकर रोने लगते हैं। याद है स्नेहा दीदी ने क्या कहा था, अगर हम ये टीम बंद कर देंगे तो इससे गुंडों की जीत होगी और प्रीता की हार होगी। हम अपनी शान के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए खेल रहे हैं। याद है स्वाति कैसे किक लगाती थी, कैसे गोल मारती थी एनर्जी के साथ। मैडम जी, क्या मेरी स्वाति आप लोगों के साथ टीम में खेल सकती है? मेरे बेटे ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। वो अपने किए की सजा काट रहा है, उसे काटना भी चाहिए। हम भी एक तरह से अपनी सजा ही काट रहे हैं। स्वाति बहुत अच्छा खेलती है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उसे एक मौका दीजिए, ले लीजिए उसे टीम में। अगर ये खेल खेलेगी तो हम सब खेल से हट जाएंगे। इसके भाई की वजह से प्रीता, इसमें इस बच्ची का क्या दोष है? और इसके भाई की गलती की सजा ये क्यों भुगते? बल्कि हमारा कहना ये है कि इस बदले की आग को करुणा की भावना से ही जीता जा सकता है, नहीं तो ये बदले की आग हम सबको ही एक दिन जला के राख कर देगी। बुआ जी ने ठीक कहा, आज से ये हमारे साथ हमारी टीम में खेलेगी। यही खेल भावना है, खेल की गहराई है, और इस खेल की बाहें इस मैदान से बड़ी हैं, जो हर तरह का भेदभाव भुलाकर सबको अपने आगोश में ले लेती है। और ये कितनी हिम्मत की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्वाति हमारे साथ खेलना चाहती है। हमें उसे मौका देना चाहिए ना। भाइयों और बहनों,
डॉक्टर स्नेहा की बहन प्रीता के साथ जो हादसा हुआ है वो तो आप सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। वो हमारे पूरे गांव के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। इस हादसे के बाद आप लोगों ने अपने घरों की लड़कियों को रोकना टोकना शुरू कर दिया। बाहर मत जाओ, लड़कों से मत मिलो, फुटबॉल मत खेलो। लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों में से किसी ने भी लड़कों को समझाया, उनसे कोई बातचीत की? एक पुरुष होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी लड़कों की है। हमारे माँ बाप ने कभी हमें रोका टोका नहीं, हमें कभी समझाया नहीं। नतीजा ये हुआ कि हमारा मन, हमारे हौसले बढ़ते चले गए और आवेग में आकर के एक दिन किसी बेकाबू लड़के ने इतना बड़ा हादसा अंजाम दे दिया। अब आप ये बताइए कि ये गलती लड़कों की है या हमारे संस्कारों की है? मैं कुछ कहना चाहता हूं। माना हमने अपने लड़कों को कभी रोका टोका नहीं, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें गलत काम करना सिखाते। अब मेरे बेटे को ले लीजिए, मेरा बेटा अपनी पत्नी को खूब मारता पीटता है, ये बात सारा गांव जानता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उन्हें मारना पीटना सिखाता हूं अपने बेटे को। यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा हूं राधेश्याम जी, कि अगर हम अपने लड़कों को, पुरुषों को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे तो गलत काम करने लगेंगे। हाथ उठाने के पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, मार पीट करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानेंगे। इसीलिए हमने और स्नेहा जी ने सोचा है कि हम गांव के एक एक घर में जाएंगे और वहां के पुरुषों को, लड़कों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। अब मुखिया जी, अब किस किस के घर में का हो रहा है, इका ठेका कौन लेगा? आसान है का? आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुमकिन सब होता है। कैसे मैम साहब? अच्छा बताइए, महीने में कितने दिन होते हैं? 30, 31? 2800 का होता है फरवरी। हाँ, तो इतने सारे दिनों में से एक दिन होगा अपनी मर्जी का दिन। अरे ये कौन सा नया दिन है? अरे हर दिन अपनी मर्जी का तो बिताते ही हैं हम। इसीलिए ये एक दिन होगा औरतों की मर्जी का दिन। इस दिन औरतें अपनी मर्जी का सब कुछ करेंगी, बाहर घूमने जाएंगी, सिनेमा देखेंगी, और मर्द घर संभालेंगे, बच्चों की देखरेख करेंगे, खाना पकाएंगे। खाना बनाएंगे? अरे चूल्हा फूकने तो आता ही नहीं, तो खाना कैसे बनाएंगे मैम साहब? भगवान ने औरत और मर्द दोनों को दो हाथ दिए। औरतें खाना हाथों से ही बनाती हैं, तो मर्द भी बनाकर देखे। प्रतापपुर, यहां मेरे हिस्से की जमीन और मेरे हिस्से का आसमान है। क्योंकि यहां मैं जन्मी, यहां मैंने पहली बार चलना सीखा, सपने देखे, सपनों को कभी टूटते हुए तो कभी पूरे होते हुए देखा। आज प्रतापपुर में एक लहर सी है, प्रतापपुर अंगड़ाई ले रहा है, लोग करवट लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। और मेरे सफर में मेरे साथी होना चाहते हैं। फलक से भी आगे सपने हैं।
सब लोग अभी जवान हो रहे हैं, आपकी सोच देश की सोच बनती है। औरतों और लड़कियों की तो इज्जत करनी चाहिए, ना कि उन पे हाथ उठाया जाए। किसी भी तरह का दुर्व्यवहार गलत है। और आप कह रहे हैं कि लड़कियां कम होती है, कैसे कम होती हैं लड़कियां? कम कैसे नहीं, हम शरीर से मजबूत हैं। आप शरीर से मजबूत होते हैं, तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। एक औरत में जन्म देने की शक्ति होती है ना, इससे बड़ी शारीरिक शक्ति कौन सी होती है मुझे बताइए। और गोपी, तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हारी बहनें पढ़ाई करने में होशियार हैं, तो अकल से भी कहां कम है लड़कियां। देखिए, हम आपके दोस्तों से मिलना चाहते हैं और जैसे आपसे मिले अभी, उनसे बातें करना चाहते हैं, क्योंकि आपको और हमें एक नई सोच को जन्म देना है। हाथ उठाना नहीं, हाथ बढ़ाना है। मैं चाहती हूं कि तुम लोग समझो कि इस टीम में सब अलग कद काठी, रंग रूप, जाति मजहब के लोग हैं। कोई देखने में बहुत मजबूत है, कोई एकदम कमजोर है, लेकिन सबका जज्बा एक है, लक्ष्य एक है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर खेलना है और साथ में खेलना है। हार जीत तो होती रहेगी, तो हम लोग खेलेंगे हाँ। तो प्रतापपुर के पटाखे फूटेंगे हाँ। जोर से फूटेंगे हाँ। और जोर से फूटेंगे हाँ। हमारी लड़कियां जमकर खेल रही हैं, है ना? बहुत मेहनत की इन लोगों ने। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लड़कों को भी इस खेल में शामिल कर सकते हैं? लड़के लड़कियों की एक मिलीजुली टीम। जो घटना घटी है उसके बाद बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने लड़कियों को दोबारा खेलने के लिए भेजा है। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, गांव वाले इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। और फिर हम ये सब क्यों करेंगे? कोच मैडम बिल्कुल सही कह रही है स्नेहा दीदी, उन्होंने प्रीता के ऊपर तेजाब फेंका और हम क्यों उन्हें अपनी टीम में शामिल करेंगे? आप सिर्फ एक कोच नहीं, अपने फलसफों से आपने इनको जिंदगी के लिए तैयार किया है, ना कि बस एक फुटबॉल मैच के लिए। अगर हम चाहते हैं कि लड़के जिम्मेदार बने, इज्जत करना सीखें, सराहना सीखें, तो इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। देखिए, जो घटना हुई थी उसके बाद हमने रघु की बहन स्वाति को टीम में शामिल किया है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। देखिए, अगर हम लड़के लड़कियों की एक टीम बनाएंगे तो इसी बहाने उनके बीच एक स्वस्थ रिश्ता कायम कर सकते हैं। तब ना लड़का लड़का रहेगा और ना लड़की लड़की, सिर्फ एक टीम का हिस्सा होंगे। एक की जीत दूसरे की भी जीत होगी। कह रही है तो
हम कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं लड़कों के साथ खेलना, क्या बोलते हो आप लोग? कर सकती हूँ मैं कुछ भी।